तेनुघाट स्थित बेरमो अनुमंडल कार्यालय में विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत की गई, जिसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया के पांचवा दिन नामांकन प्रपत्र झारखंड निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस राफेल अंसारी ने गोमिया के निर्वाचन पदाधिकारी मोहम्मद मुमताज अंसारी के समक्ष दाखिल किया। वहीं नामांकन पत्र दाखिल करने के समय उनके प्रस्तावक भी उपस्थित रहे। इस राफेल अंसारी ने बताया कि सड़क पानी बेरोजगारी दूर करना ही मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। देखिए, मैं आज अपना नामांकन दाखिल किया हूं और मैं गोमिया विधानसभा 34 का लिए हम अभ्यर्थी बना हूं। मैं यहां पर क्षेत्र में जो भी कमियां हैं, सबसे पहले बात को बेरोजगार को दूर करूंगा, बेरोजगारी को दूर करूंगा। बेरोजगारी इतना बढ़ गया है, इतना बड़ा समस्या है बेरोजगारी, उसको दूर करने का काम करूँगा। दूसरा है विकास का काम मैं करूँगा। आने वाले दिन में गोमिया में जो विकास नहीं हो सका है उसका पूरा करने के काम करूँगा। यहाँ पर इस क्षेत्र में सारा सुविधा से वंचित है लोग, पानी से भी वंचित है, बिजली से भी तरस रहे हैं लोग, रोड तो इतना जगह जगह पर ख़राब है, उसको मैं पूरा करने का काम करूँगा। धन्यवाद। दादा, आप पार्टी से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस पार्टी से, और इंडिया गठबंधन है कांग्रेस पार्टी में JMM के साथ, और भी दल हैं RJD, तो पार्टी से आप बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं तो पार्टी आपकी कार्रवाई नहीं करेगी? देखिए, अब पार्टी जो कार्रवाई करेगी पार्टी ऊपर निर्णय है, सबका अधिकार बनता है, अपना अपना अधिकार बनता है भाग लेने का, और मैं भी अपना भाग आजमाने की कोशिश किया हूँ। कई बार से मैं अपने पार्टी के समर्पित 1985 से समर्पित हूँ और तब से मैं पार्टी के लिए काम करते आ रहा था। कई बार मैंने अप्लाई भी किया हूँ और हमको मौका नहीं मिला। मौका मिलता तो आज मैं बागी उम्मीदवार के रूप में नहीं रहता। दादा।